वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो लोग मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। लॉरियल हेयर कलर का नंबर वन ब्रांड है, ये हर कोई जानता है, बट लॉरियल में अगेन बहुत सी रेंज आती है, तो कंफ्यूजन ये आ जाती है हमें कौन सी रेंज लेनी चाहिए। अब अमोनिया फ्री कलर की अगर हम बात करें तो लॉरियल में एक आता है लॉरियल का कास्टिंग, जो कि कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, और दूसरी तरफ आता है लॉरियल का इनोवा, जो कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि अगर ये दोनों अमोनिया फ्री है तो बेटर कौन सा है, हमें कौन सा वाला लेना चाहिए। दोनों में एक मेजर डिफरेंस है जो सबसे पहले आपको बता देते हैं। जो लॉरियल का कास्टिंग वाला हेयर कलर है, ये एक रेगुलर रेंज है जो रिटेल रेंज होती है, और जो लॉरियल का इनोवा है ये एक प्रोफेशनल रेंज होती है। ये आपको मोस्टली सैलॉन वालों के पास दिखेगी, या फिर कोई एक ऐसी जगह दिखेगी जो सैलॉन वालों का सामान रखते हैं, या कि कोई एक अच्छी कॉस्मेटिक स्टोर में मिलेगी। तो कन्फ्यूजन ये आती है कौन सा वाला आपके लिए बेस्ट है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों में सिमिलैरिटीज क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और क्या देख के आपको कौन से वाला चूज करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दोनों हेयर कलर में सिमिलैरिटीज क्या है, उसके बाद हम जाएंगे डिफरेंसेस में, ताकि आप चूज कर पाए कौन सा कलर आपके लिए बेटर है। जो लॉरियल का कास्टिंग है और जो लॉरियल का इनोवा है, ये दोनों ही अमोनिया फ्री कलर है। इन दोनों के अंदर ही अमोनिया नहीं है। अमोनिया एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारी आईज को भी नुकसान देता है, और साथ साथ जिनकी सेंसिटिव स्कैल्प होती है उनको वो थोड़ी सी इचिंग या फिर इरिटेशन कर सकता है। तो ये जो दोनों कलर है, इन दोनों के अंदर अमोनिया नहीं है। ये हो गई पहली सिमिलैरिटी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये दोनों जो हेयर कलर है ये आपको 100% ग्रे कवरेज देंगे, जो आपके व्हाइट बाल हैं ये पूरी तरह कवर करेंगे, आपके व्हाइट बाल बिल्कुल नहीं रहेंगे आफ्टर अप्लाइंग दिस। और दोनों आपको प्रॉपर ग्लॉसी और शाइनी लुक देंगे, और दोनों का स्टे भी काफी अच्छा रहेगा। ये तो हो गई सिमिलैरिटीज की बात। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम आउटर में डिस्कस करें, जो ये जो आपका लॉरियल का कास्टिंग है, ये एक पूरी किट होती है। किट का मतलब ये होता है इसके अंदर सारा सामान ऑलरेडी आता है। अगर हम सारे सामान की बात करें, एक आपको ट्यूब मिलती है, एक डेवलपर मिलता है, एक आफ्टर शाइन मास्क मिलता है, एक ग्लव्स मिलता है। तो ये एक पूरी किट है। अगर आप लॉरियल का कास्टिंग लेते हैं, आपको कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ एक कास्टिंग का ली, और पर्सनल यूज के लिए ये बहुत बढ़िया है। बट जब हम इनोवा पे आते हैं, इनोवा में आपको बेसिकली एक प्रोफेशनल चीज है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ही था। इनोवा के लिए आपको एक ट्यूब सेपरेटली मिलेगी, कुछ ऐसी पैकेजिंग में ये आपको सेपरेटली मिलेगी, तो आपको अलग से ट्यूब लेनी होगी और साथ में अलग से डेवलपर लेना पड़ेगा। तो अगर हम वन टाइम कॉस्ट की बात करें, तो वन टाइम कॉस्ट तो हाई आएगी आपको इनोवा की। थोड़ा अगर हम प्राइसिंग आपको बताएं, इसका प्राइस होता है 445 रुपीज इनोवा की ट्यूब का, और डेवलपर होता है 1125 रुपीज। तो आपको 1500-1600 रुपीज खर्चने पड़ेंगे इनिशियली, जबकि जो लॉरियल का कास्टिंग आता है ये आता है ओनली 550 रुपीज का। तो इनिशियली आपको लगेगा काफी अफोर्डेबल है भी इनिशियली की अगर हम बात करें, बट अगर आप लॉन्ग रन में बात करो तो इनोवा आपको सस्ता पड़ेगा, इसीलिए सैलॉन वाले इसको पसंद करते हैं। जो एक ट्यूब आती है 60 ग्राम्स की आती है, और जो डेवलपर आता है 1 लीटर का आता है, तो डेवलपर की कॉस्ट आपकी बच जाती है और आपको काफी सस्ता पड़ता है। तो अगर आपने रेगुलर हेयर कलर करना है और आपके घर में काफी लोग हैं हेयर कलर करने वाले, तो आपको इनोवा लेना चाहिए। बट अगर ये है कि आप बहुत रेयर करते हो, कोई पार्टी वगैरह के लिए वन टाइम करवा रहे हो, तो आपको कास्टिंग लेना चाहिए। कास्टिंग आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जैसे कि आप जानते हो कि कलर में एक्सपायरी होती है, तो आपके लिए पर्सनल यूज के लिए कास्टिंग बेटर रहेगा। बट अगर मोर ऑफन आप करते हो तो इनोवा बेटर रहेगा। एक चीज जो और दोनों को सेपरेट करती है वो ये है, जो डेवलपर और कलर की रेशियो होती है, जो आपका इनोवा होता है इसमें होती है 1:1। अगर आप 60 ग्राम का कलर डाल रहे हो तो 60 ग्राम ऑफ डेवलपर डलेगा, जबकि जो लॉरियल का कास्टिंग होता है इसके अंदर अगर आप 60 ग्राम्स ऑफ कलर डाल रहे हो तो 90 ग्राम्स ऑफ आपका डेवलपर डलेगा। तो बेसिकली रेशियो कोई 1:1.5। अगर आपने 60 ग्राम कलर डाला है तो 90 ग्राम डेवलपर डलेगा, और जो इनोवा है उसमें 60 ग्राम ऑफ कलर के साथ 60 ग्राम ऑफ डेवलपर डलेगा। तो ये चीज और है जो सेपरेट करती है। बट इन दोनों को अगर हम देखें तो सेपरेशन इसका सिर्फ रेशियो का है, बट क्वालिटी में कोई सेपरेशन नहीं है। दोनों टॉप क्वालिटी है, दोनों में आपको प्रॉपर ग्रे कवरेज मिलेगी, शाइनी हेयर्स मिलेंगे, और एक प्रॉपर कवरेज मिलेगी। सिर्फ फर्क एक है कि वो प्रोफेशनल चीज है और ये रेगुलर चीज है। अगर आपने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, चूज करने का क्राइटेरिया यही है कि आप कितना ऑफन कलर करते हो, और आपको परफेक्ट कलर आपका मिल जाएगा। एक चीज और जो डिफरेंस है, जो लॉरियल का इनोवा होता है इसमें शेड ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिलते हैं सैलॉन के अकॉर्डिंग। सैलॉन वालों को बहुत से कलर चाहिए होते हैं, रेड चाहिए आपको, ग्रे कलर चाहिए, वो सब आपको इनोवा में मिलेगा। तो इसमें कलर ऑप्शंस कम है, बट अगर हम बेस कलर की बात करें तो वो दोनों में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका बेसिकली डिसाइड करने का क्राइटेरिया यही है कि आप कितना ऑफन कलर करते हो, क्वालिटी साथ दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपका जो एक डाउट था कि हमें कास्टिंग का हेयर कलर लेना चाहिए कि इनोवा का लेना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमसे शॉप पे भी ये कई बार पूछा जाता है,
तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि जो क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं एक हेयर कलर लेने से पहले वो सॉर्ट आउट हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर सोच सचदेवा, गुड बाय।